बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू शोनाज किचन। व्यूवर्स, आज मैं मेरी लॉन्ग टाइम पेंडिंग रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। आज से कुछ 2-3 साल पहले मैंने अपने ग्रुप में ये रेसिपी शेयर की थी और सबको बहुत पसंद आई थी। सो आज हम बनाएंगे फ्यूजन चिकन। फ्यूजन चिकन इज़ अ वर्जन ऑफ हनी चिकन, उसको आप हनी चिकन भी बोल सकते हो, स्वीट एंड सॉल्ट चिकन भी बोल सकते हो। सो फ्यूजन चिकन के लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन ली है, उसे धो के छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं और यहाँ पे हम मैरिनेट करेंगे उसे। सबसे पहले मैरिनेशन में मैं एक एग डालूँगी, एग के बाद नेक्स्ट इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। पेपर पाउडर, अब इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर। इसमें रेड चिली सॉस भी हम ऐड कर रहे हैं, सो तीखापन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून जितना ऐड किया है। नेक्स्ट इसमें डाल रही हूँ रेड चिली सॉस। सोया सॉस, इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करूंगी। और 500 ग्राम्स में मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। सबको अच्छे से मिक्स करके हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मैरिनेशन हमारा तैयार हो गया है, अब इसमें मैं चिकन पीसेस ऐड कर दूंगी। सबको हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, अब इस मैरिनेशन को हम 1 आवर के लिए साइड में रख देंगे। चिकन को हमने 1 आवर रेस्ट दे दिया है, अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऑलरेडी ऐड कर दिया है हमने, यहाँ पर मैंने किचन टॉवल रेडी करके रखा है। और ये जो फ्यूजन चिकन के इंग्रेडिएंट्स है वो देख लो, टमाटो सॉस है, बटर, ये है हमारा सोया सॉस, रेड चिली सॉस, मेन इंग्रेडिएंट्स इसका हनी, एंड है ये चॉप्ड गार्लिक एंड सिसम सीड्स, यानी कि जो तिल होते हैं वो सारी इंग्रेडिएंट्स आपने देख ली। यहाँ पे मैंने तेल गरम रख लिया है और इसमें बटर डाल के रखा है। इसमें हम ग्रेवी बनाएंगे, लाइट सी सेमी ग्रेवी करनी है। अगर आपको बटर नहीं पसंद तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हो। सो ऑयल गरम हो चुका है, इसमें मैं चिकन ऐड करके फ्राई करूँगी। देखो इस तरीके से हम दोनों साइड चिकन को फ्राई करेंगे। ये देखो इस तरीके से हमें चिकन फ्राई करनी है। जब तक ये चिकन फ्राई होती है साइड बाय साइड हम ये ग्रेवी भी करेंगे। इसमें मैंने बटर लिया है, बटर गर्म होते ही मैं इसमें क्रश किया हुआ लहसुन ऐड करूँगी। 12 से 13 कली लहसुन के लिए मैंने, बटर गर्म होने पर इसमें लहसुन ऐड कर दिया है। इसे हमें 2 मिनट तक फ्राई करना है। आप चाहो तो इसे ऑयल में भी बना सकते हो, लेकिन बटर में ज़्यादा टेस्ट अच्छा रहेगा इसका। बटर के बाद अब इसमें हम 1/2 बाउल जितना टमाटो केचप ऐड करेंगे।
नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे रेड चिली सॉस, और इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस। ज़्यादा ग्रेवी नहीं है इसकी, लाइट लाइट ही ग्रेवी है। और इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम ऐड करने वाले हैं हनी, सो उससे उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। जो बाइंडिंग होती है ग्रेवी की, हनी से ही हो जाएंगी। फिर 2 मिनट तक पकाना है हमें, क्योंकि सारी चिकन फ्राई हो गई है। अब ये फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और ग्रेवी हमारी कंप्लीट करेंगे। अब इसमें मैं पेपर एंड सॉल्ट ऐड करूँगी। इसमें अभी हम फ्राइड चिकन ऐड कर देंगे। ये देखो सब मैंने मिक्स कर दिया है, फ्लेम को स्लो कर दिया है। बहुत ही जूसी चिकन है, आप ज़रूर ट्राई करना। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हनी, 3 बड़े चम्मच जितना हनी ऐड करना है हमें, और फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसे हमें मिक्स करना है। बस हमारी फ्यूजन चिकन रेडी है। अब इसमें हम स्प्रिंकल करेंगे ये जो हमारे सीसन सीड्स मैंने रोस्ट करके रखे हुए हैं। रोस्ट करने से इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। इसको भी मैं सर्विंग प्लेट में लेके बताती हूँ। ये देखो इस पर मैंने कोरिएंडर लीव स्प्रिंकल करके इसको सर्विंग प्लेट में ले लिया है। सो अगर आपको मेरी ये फ्यूजन चिकन की रेसिपी पसंद आती है तो इस डिश को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से शेयर कीजिए, एंड शोनास किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। दुआ में याद। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट रेसिपी।